हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल मल्टी बैगर वर्ल्ड। तो गाइज़ आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, एक छोटी सी फीस पे करें और यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए ऐड हो जाएं। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे लाइव मार्केट में लाइव कॉल्स दिए जाते हैं अपने क्लाइंट्स को, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल और इंट्राडे लाइव मार्केट कॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी हमने यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का मॉर्निंग में कॉल दिया हुआ था, UPL का बाय दिया हुआ था और JSW स्टील का भी बाय दिया हुआ था, जिसमें JSW स्टील की स्पीड काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, जिसमें हमारा टारगेट सबसे पहले आ गया। UPL मैंने एग्जिट करने के लिए बोल दिया है क्योंकि कॉस्ट प्राइस के ही आसपास ये डोल रहा है, थोड़ा सा ये ऊपर गया था। और रिलायंस इंडस्ट्री का जो चार्ट है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह का मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि इस रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अभी 2100 पर भी ये आ चुका है और 2100 से अभी 2109 का टारगेट है, जो आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि टारगेट थोड़ा सा दूर लग रहा है मुझे चार्ट के मुताबिक, बट थोड़ा सा दूर होने के बाद भी ये टारगेट अचीव कर जाएगा। और UPL के अंदर देखते हैं तो UPL के अंदर जो पोजीशन बनी हुई है वो कॉस्ट प्राइस के आसपास ही डोल रहा है, थोड़ा सा और नीचे आया है हमारे एग्जिट करने के बाद भी। तो यहाँ पर मुश्किल है कि आप टारगेट आ पाए या मूवमेंट वापस रिकवर कर पाए। और यहाँ पर हम देखेंगे तो JSW स्टील के अंदर जो मूवमेंट आया है वो काफ़ी अच्छा आया है, यहाँ से इसने रफ्तार पकड़ना शुरू की है और यहाँ पर टारगेट अचीव कर गया, जिस वजह से हमने यहीं पर ये लेवल जो है पिछली कैंडल का ये क्रॉस करने के बाद ही हमने कॉल लिया और टारगेट अचीव कर गया। तो गाइस आप भी हमारे चैनल ज्वाइन करें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमारी सर्विस ज्वाइन करें और यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए ऐड हो जाएं। जिस तरह से आपको अभी कॉल देखने को मिले हैं ऐसे ही कॉल्स आपको मिलते रहेंगे और यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकालते रहेंगे। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।